मिस्टर रूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि आज कुछ हल्की नरमी के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या इंटरडे के अंदर ये नरमी तेजी में बदलती हुई नजर आ पाएगी, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि क्रूड में भी तेजी बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, ग्वार में अभी फिलहाल जो है क्लेश उठा पड़ा का माहौल काफी देखने को मिल रहा है। तेजी के बाद वापिस से बाजार 10,000 के नीचे लुढ़क चुका है। तो इसमें देखिए, जो रणनीति होनी चाहिए वो निचले स्तर पर खरीदारी के ऊपर स्तर पर लेकर प्रॉफिट बुक करने की। देखिए, जब तक ये 10,500 रुपए के ऊपर से स्टेबिलिटी नहीं देता तब तक लंबी तेजी में नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए गिरावट भी नहीं है, तो अभी जो ये गिरावट देखने को मिल रही है आज, इसमें मुझे लगता है कि एक बार नीचे में हो सकता है आपको 9600 से लेकर 9580 के आसपास सपोर्ट दिखाई दे, तो इन लेवल्स के आसपास बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। आज इंटरडे में फर्स्ट हाफ में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है जी।